हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फ्यूर चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी की हिस्ट्री, उसके ग्राउंड मेजरमेंट्स, उसके नियम के बारे में, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं को इसमें ऐड किया गया है। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे LT हो, KVS, NVS, UP, TGT, PGT, NTGT, PGT, अनस्टेट के हो, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंटेंट मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू विजिट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा के इतिहास, चाहे यूनान का इतिहास हो, रोम का, एथेंस का, जर्मनी का, स्वीडन का, डेनमार्क का, अमेरिका का, एंड भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एंड विभिन्न संस्थाओं के नाम जो शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने में भारत में एंड विदेशों में योगदान दिया है, एंड शारीरिक शिक्षा के विभिन्न स्पोर्ट्स की हिस्ट्री एंड मेजरमेंट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप विजिट कर सकते हैं बिल्कुल डिटेल में। एंड अन्य टॉपिक जैसे स्पोर्ट ट्रेनिंग, डोपिंग, डिजीज एंड बहुत सारे जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं, उन सबको मैं डिटेल में आगे वीडियो लाती रहूंगी। बस कंटिन्यू आप बने रहिए, सभी टॉपिक्स यहाँ पे डिटेल में मिलेंगे। दोस्तों, चलिए जानते हैं आप आज के टॉपिक बॉक्सिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि बॉक्सिंग की शुरुआत यूरोप से माना जाता है और इसके पितामह जैक बाइगटन को माना जाता है। बॉक्सिंग के खिलाड़ी को पुगलिस्ट नाम से जाना जाता है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। एंड भारत में ब्रिटिश काल से इसको अपनाया गया है। मुक्केबाजी को आधुनिक ओलंपिक में शामिल किया गया पुरुषों को 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक में अमेरिका में, एंड महिलाओं को 2012 लंदन इंग्लैंड ओलंपिक में शामिल किया गया। एशियन खेलों में बॉक्सिंग को 1954 में शामिल किया गया। बॉक्सिंग की प्रथम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो है 1950 में मुंबई में हुआ। एंड विश्व मुक्केबाजी संघ AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुआ। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है। एंड भारतीय मुक्केबाजी संघ IBF 1949 IBF यानी इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना 1949 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, प्रथम अध्यक्ष ओस्कर एच ब्राउन थे एंड वर्तमान अध्यक्ष अजय सिंह है। वर्तमान अध्यक्ष जरूर आप याद रखिए, अजय सिंह, भारतीय मुक्केबाजी संघ यानी इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन IBF के वर्तमान अध्यक्ष अजय सिंह है। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार ओम प्रकाश को 1985 में मिला। राजीव गांधी मैरीकॉम को 2008-09 में मिला एंड विजेंद्र सिंह को 2008-09 में इनको ही मिला, दोनों को। ठीक है दोस्तों, ये था बॉक्सिंग के हिस्ट्री के बारे में। अब मैं बॉक्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स एंड रूल्स के बारे में बात करूंगी, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बस आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि बॉक्सिंग में 21 नियम होते हैं एंड बॉक्सिंग यानी कि यह प्रतियोगिता मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसको रिंग बोला जाता है। जैसे कि अन्य खेलों के जहाँ पे संपन्न कराया जाता है वहाँ पे कोर्ट या फील्ड बोला जाता है, लेकिन इसके मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसको रिंग बोला जाता है। इसलिए रिंग का आकार जो है, जैसे कि रिंग पे आप देखते होंगे बहुत सारे रस्सी, 3 से 4 रस्सियां लगी होती हैं, तो जैसे कि चित्र में दिख रहा है, तो रिंग का आकार जो है वो चौकोर होता है यानी वर्गाकार होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई 20x20 फीट होता है यानी कि 6.10x6.10 मीटर। ठीक है, एंड रिंग की ऊंचाई जो है, ये जो उसमें रिंग है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, वो 100 मीटर होता है यानी 3 से 4 फीट। 1 फीट में कितना होता है, 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच। ठीक है, रिंग पर रस्सों की संख्या, जो हमारे रिंग पर इस पे रिंग पर रस्सों की संख्या, रस्से दिख रहे हैं उसकी कितनी संख्या होती है, 3 से 4 रस्से होती है। इन रस्सों की मोटाई जो है 4 सेंटीमीटर होती है। एंड इन रस्सों की ऊंचाई कितनी होती है प्लेटफॉर्म से यानी रिंग से, तो पहले रस्से की 40 सेंटीमीटर, दूसरे की 70 सेंटीमीटर, तीसरे की 100 सेंटीमीटर एंड चौथे की 130 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है प्लेटफॉर्म से। ठीक है, अब मैं बात करूंगी ग्लव्स यानी कि जो डबल्स होते हैं, दस्ताने होते हैं, उसकी संख्या 2 जोड़े होते हैं और इसका भार जो है 8 से 10 औंस होता है यानी 227 से 284 ग्राम। और इस पे चमड़े लगे होते हैं, तो चमड़े के हिस्से का वजन इसका जो ग्लव्स पे लगे होते हैं डबल्स पे, दस्ताने पे, वो 5 औंस का होता है यानी कि 142 ग्राम का।
ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि एक औंस में 28.40 ग्राम होता है। इस डबल्स का रंग दोस्तों लाल और नीला होता है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। डबल्स यानी दस्ताने का रंग लाल और नीला होता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि कानर के खंभों के जो पैड हैं, ग्लव्स हैं, खिलाड़ियों के कप प्रोटेक्टर हैं एंड खिलाड़ी के हेड प्रोटेक्टर हैं, इन सब का रंग जो है लाल और नीला होता है। इसमें प्रमुख इक्विपमेंट गम शील्ड, कप प्रोटेक्टर, हेड गार्ड, पट्टियाँ होते हैं। दोस्तों खेल की अवधि की बात करते हैं, यानी बाउट, इसमें बॉक्सिंग में खेल की अवधि को बाउट कहा जाता है। तो यानी बाउट की अवधि यानी खेल की अवधि कितनी होती है, पुरुषों के लिए 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं एंड प्रत्येक राउंड के बाद 1 मिनट का ब्रेक। महिलाओं के लिए 2-2 मिनट के 4 राउंड होते हैं, प्रत्येक राउंड के बाद 1 मिनट का ब्रेक। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि एक बाउट में पुरुषों के लिए 3 राउंड होते हैं 3-3 मिनट के, और महिलाओं के लिए एक बाउट में 4 राउंड होते हैं 2-2 मिनट के, और प्रत्येक राउंड के बीच 1 मिनट का ब्रेक होता है। ठीक है, यानी ये था, ये आपके ओलंपिक बॉक्सिंग यानी कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में समय अवधि है। आमतौर पर बॉक्सिंग के मुकाबले जो है वो 3-3 मिनट के 9 से 12 चक्र के होते हैं, 9 से 12 चक्र के होते हैं। इसमें ऑफिशियल की बात करेंगे, जैसे निर्णायक की ऑफिशियल्स इसमें होते हैं एक सुपरवाइजर, एक रेफरी और 5 जज। सुपरवाइजर होता है सभी प्रकार के तकनीकी एवं प्रतियोगिता संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार होना, एंड रेफरी जो होता है रिंग में खिलाड़ी के बाउट के दौरान यह देखता है कि दोनों बॉक्सर सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, करते हुए खेल रहे हैं या नहीं। एंड जो 5 जज होते हैं वो AIBFA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के तकनीकी नियमों को ध्यान में रखकर बॉक्सरों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक देना होता है। जैसे कि इसका स्कोरिंग सिस्टम जो होता है बॉक्सिंग का, उसमें बॉक्सिंग में स्कोरिंग सिस्टम में 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम होता है, यानी कि 5 जजों को प्रत्येक राउंड में प्रत्येक खिलाड़ी को 10 में से अंक देने होते हैं, और प्रत्येक राउंड में विजेता घोषित करना होता है, और प्रत्येक जज को 15 सेकेंड के अंदर स्कोरिंग पेड सुपरवाइजर के पास जमा करना होता है, जिसे कंप्यूटर पर चढ़ाना होता है। दोस्तों अब मैं बात करूंगी कि आमतौर पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है, तो 40 वर्ष होती है, यानी न्यूनतम 19 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि बॉक्सर के लिए आमतौर पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बॉक्सर की अधिकतम या न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 19 से 40 वर्ष। ठीक है, अब मैं पुरुषों की और महिलाओं की वेट कैटेगरी की बात करूंगी। दोनों पुरुषों या महिलाओं की वेट कैटेगरी बॉक्सिंग के लिए अलग अलग होता है। तो पुरुषों की वेट कैटेगरी जिसमें पुरुषों की आयु जो है बॉक्सिंग खेलने के लिए 19 से 40 वर्ष होता है, इसके लिए वेट कैटेगरी होता है लाइट फ्लाई वेट 46 से 48 केजी, फ्लाई वेट 49 से 52 केजी, वेटम वेट 52 से 56 केजी एंड लाइट वेट 56 से 60 केजी, लाइट वेल्टर वेट 60 से 64 केजी और एंड वेल्टर वेट 64 से 69 केजी, मिडिल वेट 69 से 75 केजी, लाइट हैवी वेट 75 से 81 केजी, हैवी वेट 81 से 91 केजी एंड सुपर हैवी वेट 91+। अब महिलाओं की वेट कैटेगरी, उनकी भी आयु सेम होती है 19 से 40 वर्ष भाग लेने के लिए। इसमें वेट कैटेगरी होता है लाइट फ्लाई वेट 45 से 48 केजी, फ्लाई वेट 48 से 51 केजी, बैटम वेट 51 से 54 केजी, फीदर वेट 54 से 57 केजी, लाइट वेट 57 से 60 केजी, वेल्टर वेट 60 से 64 केजी, लाइट मिडल वेट 64 से 69 केजी, मिडल वेट 69 से 75 केजी, लाइट हैवी वेट 75 से 81 केजी, हैवी वेट 81+। इसके बॉक्सिंग की कुछ विशेष शब्दावली होती हैं, जैसे कि पंच, जॉब, क्रॉस, हुक, अपर कट, लोअर कट, विली द व्हील, बैक पेडल, बाउट वर्टिंग, किडनी पंच, जिसमें भी पंच शब्द आए वो सब बॉक्सिंग से होगा, एंड हैग ऑन, पियोट पंच, ठीक है, राइट क्रॉस स्विंग, लीड न्यूट्रल कॉर्नर, रिंग मास्टर,
कवर अप, इन फाइटिंग, बैल, बैक हेडर, बैरोज, ब्लू पंच, पंच ड्रिक, रिंग, रिंग साइड, पंच बल, पंच बैग, राउंड, बेल्ट, ब्लॉक, ये सब बाउंस, आप रोप्स, हुक, गार्ड, हैग ऑन, डील, ये सब आपके बॉक्सिंग की शब्दावली हैं। तो दोस्तों ये था बॉक्सिंग के इतिहास, उसके मेजरमेंट्स एंड उसके नियम्स के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके बॉक्सिंग से रिलेटेड नहीं पूछा जा सकता है, नियम एंड इतिहास से रिलेटेड। दोस्तों आई होप कि मैं आपको एक इसके बारे में अच्छे से समझा पाई हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। एंड अन्य टॉपिक जो बचे हुए हैं उनकी वीडियो मैं लगातार अपलोड करती रहूँगी। बस आप कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए और अपनी तैयारी जो है बेहतर ढंग से करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।